दोस्तों, खूबसूरत रंगों के गुलाब हम सभी के पास होते हैं, बट आपको क्या पता है हम 3 मेथड से रोज प्लांट की कटिंग को इजीली ग्रो कर पाएंगे। आगे चलिए देखते हैं, जिसमें से पहला है स्टेम कटिंग। अब यहाँ पर दोस्तों रोज प्लांट की कटिंग को हम ग्रो कर सकते हैं, आपको एक पेंसिल साइज की हेल्दी कटिंग लेनी है। दूसरा मेथड है, आप उसकी एयर लेयर कर सकते हैं और सेम कलर का प्लांट आप इजीली ग्रो कर पाएंगे। तीसरा बट सबसे यूनिक, हम पानी में भी इसको इजीली ग्रो कर सकते हैं। अगर आपकी रोज प्लांट की कटिंग ग्रो नहीं हो रही है तो इस वीडियो को एंड तक देखना, ताकि आपको सारी प्रॉब्लम जड़ से पता चल सके और नेक्स्ट टाइम आप 100% इतनी सारी रूट्स के साथ उनको ग्रो कर सके। तो कटिंग आपको ऐसे सेलेक्ट करनी है जिसमें बहुत सारी पत्तियां हों, बहुत सारी कलियां लग रही हो, बहुत सारे फूल आ रहे हो। ध्यान से सुनो, पेंसिल साइज कटिंग लेनी है, वो भी सेमी वुड, जिसमें बहुत सारे ग्रोइंग बड आपको नजर आ रहे हो। 6 से 8 इंच की साइज बहुत परफेक्ट रहती है किसी भी रोज प्लांट की कटिंग को ग्रो करने के लिए। अब एक्स्ट्रा जितने भी ब्रांचेस होती है साइड वाली जो ग्रीन हो, उन्हें आप रिमूव कर सकते हैं। अगर आपके रोज प्लांट की कटिंग के ऊपर इस तरह से लीव्स ग्रो हो रही है तो उन्हें प्लग कर रिमूव कर दीजिए। इससे दोस्तों आपकी कटिंग में मॉइस्चर मेंटेन रहेगा और हाँ, हमें पुराने लीव्स की जरूरत भी नहीं है। हमारी कटिंग के अंदर दोस्तों 45 डिग्री का एंगल बहुत ज़्यादा जरूरी होता है नोड एरिया के पास में, क्योंकि नोड एरिया से सबसे पहले रूट्स निकलती है और हम जहाँ 45 डिग्री का एंगल काट रहे हैं उसके आसपास से बहुत सारी रूट्स निकलने वाली है। आप रूटिंग हार्मोन का यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास है इसलिए मैं कर रहा हूँ, और बिना रूटिंग हार्मोन भी आप अपनी कटिंग ईजिली ग्रो कर पाएंगे। इसको यूज़ करने का तरीका बहुत यूनिक होता है। आप सबसे पहले आप एक छोटा सा बकेट लीजिए, पॉट लीजिए, उसमें पानी डालकर आपके रूटिंग हार्मोन को मिक्स कर दीजिए और सारी कटिंग उसमें छोड़ दीजिए। नियरली 15-20 मिनट में वो वाटर एब्जॉर्ब करेगी रूटिंग हार्मोन के साथ। 45 डिग्री का एंगल किस तरह से कट करना है वो आप ध्यान से देख लीजिए। ये जो नोड एरिया है जहाँ पर न्यू लीफ निकलती है उसको नोड एरिया बोलते हैं, और वहीं से जड़ें भी निकलती है। तो बस आप एक 45 डिग्री एंगल पर अपने टूल की मदद से कट कर लीजिए। आप नाइफ का भी हेल्प ले सकते हैं। ऑर्गेनिक रिच न्यूट्रिएंट से भरा हुआ वर्मी कंपोस्ट यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं, और साथ में ही कोकोपीट सॉइल मिक्स जो लूज बना देता है। रोज प्लांट की कटिंग के लिए ये बेस्ट सॉइल मिक्स है। चलिए मिक्स कर देते हैं और हमारी रोज प्लांट की कटिंग को रेडी कर देते हैं ग्रो करने के लिए। कटिंग्स हमारी रेडी है, चलिए पॉट प्रिपेयर कर लेते हैं और देखते हैं हम इनको कैसे लगाने वाले हैं। पॉट भर लीजिए सॉइल मिक्स से, उसको अच्छे से पैक कर लीजिए और अपनी एक कटिंग लीजिए, उसको पानी में डिप करिए, उसके साथ रूटिंग हार्मोन में डिप करके आपके पॉट के अंदर करीब करीब 2 से 3 इंच अंदर डीप दबाना है। 2 से 3 इंच इसलिए ताकि 2 से 3 नोड एरिया आपकी सॉइल मिक्स के अंदर जा सके और फिर वहाँ से रूट्स ग्रो करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। अब फाइनली आप पानी दीजिए और आपके सॉइल मिक्स के अंदर मॉइस्चर मेंटेन करके रखना जब तक कटिंग के अंदर बहुत सारी ग्रोथ नज़र नहीं आ जाती। नेक्स्ट कटिंग हम लगाएंगे हनी के साथ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर डाबर का हनी यूज़ करा है। आप कोई भी कंपनी का हनी यूज़ कर सकते हैं। हम ये भी चेक करने वाले हैं कि हनी से बेटर रिजल्ट मिलेगी या रूटिंग हार्मोन से। तो बस अपनी कटिंग लीजिए, उसको डिप करिए और बस पॉट में लगा दीजिए। रोज कटिंग के टॉप पर अक्सर फंगस लगने की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इसके बाद जो हम मेथड यूज करने वाले हैं उसमें मॉइस्चर रिटेन रहेगा। इसलिए आप एक नेल पेंट का यूज़ कर सकते हैं या फिर आप मोमबत्ती का यूज़ करके उसके टॉप को आप सील कर दीजिए। इससे यहाँ पर फंगस ग्रो नहीं होगी और आपकी कटिंग मरेगी नहीं। आपकी कटिंग ग्रो करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, एक पॉलीथीन लीजिए और उसको कवर कर दीजिए ताकि एक रेनी एनवायरनमेंट क्रिएट हो, मॉइस्चर हमेशा के लिए आपके पॉट के आसपास ही घूमता रहे और आपकी कटिंग को 100% ग्रो करने के लिए वो फोर्स करे। बस कटिंग लीजिए, पॉट में लगाइए, पॉलीथीन से कवर करिए और कुछ दिनों के लिए इसको छाया में रख दीजिए। चलिए पॉलीथीन रिमूव करके देखते हैं हमने जो सॉइल में ग्रो करे थे उनका क्या हालचाल है। यहाँ पर ही दोस्तों रिजल्ट बहुत अच्छा मिल रहा है, हमारी कटिंग भी हेल्दी है और यहाँ पर जो शूट्स है वो कितने ज़्यादा हेल्दी और मोटे मोटे निकलने वाले हैं। सारी ही कटिंग में काफ़ी अच्छे शूट्स निकल रहे हैं, मतलब हमारी सारी कटिंग अभी तक तो काफ़ी ज़्यादा सेफ और हेल्दी है। हनी के साथ वाली कटिंग भी चेक कर लेते हैं उसके अंदर क्या रिजल्ट हमें निकल के आया है। और यहाँ पर हम पॉलीथीन रिमूव करते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर भी काफ़ी सारे जो शूट्स है वो हेल्दी है, बट कुछ कुछ अनहेल्दी शूट्स भी नज़र आ रहे हैं। आफ्टर 7 डेज हमारी जो रूटिंग हार्मोन वाली कटिंग है उसके अंदर जो शूट्स है वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग ग्रो होते जा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत सा एक्सपीरियंस होता है दोस्तों, और रोज प्लांट की कटिंग को ग्रो करने का समय होता है या तो फरवरी का महीना या फिर आप विंटर सीजन में ग्रो कर सकते हैं। हमारा हनी भी काफ़ी ज़्यादा कमाल दिखा रहा है दोस्तों, यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से इसकी कटिंग ने भी ग्रोथ दिखाई है, काफ़ी ज़्यादा इसके भी शूट्स लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। देखते हैं एंड में चैम्पियन कौन निकल जाता है।
इट मीन्स आप हनी को भी एज ए रूटिंग हार्मोन कंसिडर कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, हमने जो नेल पॉलिश लगाई थी उसके ऊपर एक वाटर ड्रॉपलेट आ गया है। इससे दोस्तों हमारा प्लांट काफ़ी ज़्यादा सेफ हो रहा है, फंगस नहीं लग रही हमारे जो कट पार्ट है वहाँ पर। एंड आफ्टर 10 डेज, और यहाँ पर आप रिजल्ट देख के शॉकिंग हो जाएंगे, क्योंकि हमारी सारी कटिंग ने बहुत अच्छा सा रिजल्ट दिखाया है। सब ने बहुत सारी लीफ नोट डेवलप कर लिए हैं और कुछ तो खुलने भी लग गए हैं। हनी का भी रिजल्ट देख ही लेते हैं क्या निकल के आता है सेम डे पर। और यहाँ पर देख सकते हैं आप जमीन आसमान का फ़र्क है। हमारे जो केमिकल रूटिंग हार्मोन है उसने काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिखाया है, बट हनी ने भी दिखाया है, बट काफ़ी ज़्यादा स्लो है। क्लोजअप शॉट देख लें। इससे दोस्तों ये तो साबित हो गया कि हमारी कटिंग 100% ग्रो होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी अच्छे से लीफ डेवलपमेंट शुरू हो गया है। बस 2-3 दिन और इनके अंदर जो लीफ नोड है वो प्रॉपर लीफ में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड हनी में क्या रिजल्ट है चलिए देखते हैं। यहाँ पर भी काफ़ी लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग शूट्स है, बट रिजल्ट उतना बेहतरीन नहीं है जितना हमारे केमिकल वाले ने दे रखा है। इनको भी नियरली 3-4 डेज और ज़्यादा चाहिए। हाँ, इस कटिंग में काफ़ी अच्छा रिजल्ट हमें नज़र आ रहा है, और बाकी सब कटिंग में भी रिजल्ट है, बट थोड़ा सा स्लो है। आफ्टर 15 डेज, और आप नोटिस कर रहे होंगे हमने पॉलीथीन सिर्फ आपको शो करने के लिए निकाली है। अगर आपको भी चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं, बाकी आप पॉलीथीन बार बार इस तरह से रिमूव ना करें, इससे जो एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है वो डिस्टर्ब हो रहा है। बट यहाँ पर आपको शो करना ज़रूरी है, इसलिए हमने ये रिमूव करा है। और 15 डेज में आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी ज़्यादा इसके अंदर लीफ खुल चुकी है। सेम कंडीशन में आपकी रोज़ प्लांट की कटिंग होनी चाहिए, इसे तुरंत ग्रो करिए अगर आपने ग्रो करने का सोच लिया है तो। कितना प्यारा रिजल्ट निकल के आया है दोस्तों। आई थिंक सो मैंने अभी तक जितनी भी रोज़ प्लांट की कटिंग ग्रो करी है उनमें इनका बेस्ट रिजल्ट निकला है, क्योंकि बहुत ही परफेक्ट और सारी कटिंग बहुत अच्छे से ग्रो हो रही है, स्पेशली रूटिंग हार्मोन वाली। चलिए चेक करते हैं हनी में क्या रिजल्ट है। स्लो है, स्टडी है, बट हाँ रिजल्ट दे रहा है। हनी भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे रहा है। केमिकल रूटिंग हार्मोन की ज़रूरत नहीं है एक लेवल तक, तो अगर आप घर पर ग्रो कर रहे हैं तो आप हनी लीजिए और दोनों को ग्रो कर लीजिए। हाँ, बट थोड़ा सा जो ग्रोथ की स्पीड है वो हमारे केमिकल रूटिंग हार्मोन में ज़्यादा है। फाइनली रिजल्ट आफ्टर 20 डेज, और दोस्तों यहाँ पर जो रिजल्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव्ड है, क्योंकि हमारी कटिंग ने लॉन्ग लॉन्ग ब्रांचेस निकाल दी है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे कटिंग ने रूट्स डेवलपमेंट स्टार्ट कर लिया, अब से दोस्तों रूट डेवलपमेंट भी स्टार्ट हो जाएगा, और उसके बाद आपको नियरली 40 डेज तक का वेट करना होगा। उसके बाद ही आपकी कटिंग में आपको रूट्स नज़र आएगी, और नियरली 50-60 डेज के बाद आप इनको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ट्रांसप्लांटेशन से कुछ दिन पहले आपको ये वाला मेथड याद रखना है। आपको इस पॉलीबैग में दिख रहे हैं वाटर ड्रॉपलेट्स, वो वाटर ड्रॉपलेट्स आपकी पॉलीबैग में नहीं होने चाहिए, इसलिए आप एक किसी भी पिन की मदद से छोटे छोटे होल कर लीजिए, ताकि एक एयर फ्लो बन जाए और आपकी कटिंग को आदत हो जाए बाहर के एनवायरनमेंट की, क्योंकि अभी हमने एक क्लोज एनवायरनमेंट दे रखा है। इसलिए छोटे छोटे होल करिए जिससे आपकी कटिंग बाहर के एनवायरनमेंट में सेट होगी। और ये रहा हमारा हनी का रिजल्ट। दोनों ही रूटिंग हार्मोन हमारी कटिंग के लिए बेहतरीन है, आप यूज़ कर सकते हैं। हनी में रिजल्ट थोड़ा सा डिले आता है। अब यहाँ पर आप कटिंग को चेक करने के लिए पॉलीबैग रिमूव तो करते हैं, बट विद इन 5 मिनट्स आपको उसे कवर करना ज़रूरी है, बाकी उसकी लीव्स एकदम से काली पड़ने लग जाएगी। आप चाहें तो ट्रांसपेरेंट पॉलीबैग का भी